दूसरा ये है कि 5-5, 6-6 माह हो जाते हैं, स्कॉलर नहीं मिलता, स्कॉलर नहीं मिलता। फिर वो जब कैशियर आता है, एक माह का स्कॉलर दे के बाद में हमें लारा लगा के चल जाता, बाकी बाद में देंगे। फिर उसके बाद जब देने आता है, उसमें से भी हमारी कटिंग करता है, एक तो खुद आधी कटिंग खुद करके रख लेता है, बीच में हमारा मतलब स्कूल का भी कट जाता है, अटेंडेंस का कट जाता है, अब हम ड्यूटी पर नहीं जाते, फिर हमारी नोटिफिकेशन निकल जाती है। दूसरी बात यह है कि स्कॉलर मिलता नहीं है। आप खुद आके देखें, सिर्फ मॉर्निंग में स्टाफ होती हैं, इवनिंग और नाइट दोनों शिफ्ट है स्टूडेंट्स ने संभाली है। अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? हम लोगों का एहतजाज का मकसद ये है कि हमें गुज़िश्ता 4 महीने से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें कई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग बहुत सी मुश्किल का सामना करते हुए, यानी अपने 4 साल का ट्रेनिंग होता है, 2 साल हम लोगों ने गुजार लिया, अभी हमारा 3rd ईयर शुरू हो रहा है। इधर ना हमारा कोई पूछने वाला है, हमारे जो मैं हॉस्टल की हालात है उसमें गंदगी काफ़ी है, पीने के पानी हमें नहीं मिल रहा है, अच्छा जो मैस का खाना है वो नहीं मिल रहा है हमें, यानी हॉस्टल की हालात कुछ सही नहीं है। आप लोग ज़रा आके देख लें, हम लोग तब तक इधर से नहीं उठेंगे जब तक हमें हमारे 4 महीने का स्कॉलर नहीं मिलेगा और हमें बर वक्त मंथली स्कॉलर नहीं मिलेगा। हमारा स्कॉलर है 10,800, 10,800 में से 2,500 हम लोग मैथ्स में नहीं देते, और जब कैशियर बिल पास करा के हमें जो स्कॉलर देता है, हर लड़की से 50 रुपये काट देता है। क्यों? क्योंकि वो बिल पास करा रहा है।